यहाँ पर मैंने इन सिंघाड़ों को उबाल कर लिया, उबाल दिया है। देखो पानी निकला है। आलू गई उबाल लेना है, बस आलू कुकर में डाल के बस आलू गई उबाल जाएंगे। फिर इनको ना उसका पानी निकाल लेना है, बस ठंडे हो जाए तब इनको छीलना है। इस तरह से छील लेंगे, इस तरह से आलू गई ही छिल जाते हैं। तो इनको छील लेती हूँ। आज हम सिंघाड़े का आपको रेसिपी देंगे, इस तरह से छिल जाएंगे। देखो एक ही हाथ से छिल गए हैं, ठंडे हो जाते हैं तो अच्छे से छिल जाते हैं। ऐसे बॉयल किए हुए हाथ से उछट गया था, बॉयल किए हुए भी ऐसे भी अच्छे लगते हैं। ये हार्ट है, जिसको दिल की बीमारी है उनको सिंघाड़े खाना चाहिए। उनसे इससे हम दिल मजबूत होता है, हार्ट मजबूत होता है, ताकत स्ट्रांग होता है। इसलिए जिसको हार्ट की बीमारी है उसको खाना चाहिए, दिल की बीमारी। अभी खूब मिलते हैं यहाँ, तो गुड़गांव में मिलते ही नहीं हैं। मुझे 6 साल हो गए यहाँ, 6-7 साल हैं गुड़गांव में रहते हुए, आज तक नहीं मिले मुझे। आज पहली बार गए थे करवा चौथ का जो सामान लेने के लिए गई थी ना, तो फिर रास्ते में मिल गए थे। तो वहाँ से कनई कॉलोनी में फिर वहाँ से लेकर आई थी। यहाँ बहुत कम चीज़ें हैं जो अपने साइट मिलती हैं, उधर नहीं मिलती हैं। मिलती हैं तो ना कब 10-15 साल में एक आध बार दिख जाए। और यहाँ की चीज़ें गुड़गांव या सिटी की चीज़ें वहाँ मिलना मुश्किल दिखती हैं। छोटी सिटी है, गांव है, वहाँ मिलना मुश्किल दिखता है। फिर यहाँ पर मैं छील लेती हूँ, पहले मुझे फिर इसकी रेसिपी देती हूँ, फिर आगे बात करेंगे। बाकी हमने एक कर लिए थे सिंघाड़े। फिर यहाँ पर मैं शिमला मिर्च निकाल लिए, शिमला मिर्च और ये बॉयल आलू रखे हैं दो, इनको भी करना है। सिंघाड़े छीलेंगे, तब तक हमने शिमला मिर्च काटेंगे। शिमला मिर्च की सब्ज़ी या रसीली बनाएंगे या सूखी बनाएंगे, जो बनाएंगे तो दिखाएंगे आपको। फिर यहाँ दूध भी आ गया, तब बॉयल हो गया। आज सवेरे से ही मैंने नहा धोकर आ गई हूँ, चाय दूध हो गया बच्चे का, हस्बैंड का, मेरा बस क्लीनिंग अब पोंछ लगा लिया। दीपावली की सफाई हो गई है, बस थोड़ा कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, वही होना है। और यहाँ झाड़ू पोंछा हो गया है। ये ग्रीन एप्पल यहाँ है, देखो ये ग्रीन एप्पल इधर मिलते हैं लेकिन आप लोगों की साइड नहीं मिलेंगे, गुड़गांव में मिलते हैं। यहाँ पर मेरी पूजा भी हो गई है, पूजा भी आज मैंने जल्दी कर ली थी। अब ठंडक आ गई है, अभी तो गर्मी लगती थी, अब बाहर निकलो ना तो ठंडक आ गई है। पानी गिर गया ना, और ये तो करवा चौथ के दिन ही गिरा, यहाँ पर पानी तो और ज़्यादा आ गई है। चलो फिर हम काम स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर मैं शिमला मिर्च काट लूँ और सिंघाड़े भी छील लूँ, दोनों काम एक साथ में होते जाएंगे। काम करते जा, बातें करते जा, और अपना जो काटने हैं जो छीलना है वो अपना करते जाओ। शिमला मिर्च हमेशा काटो तो एक पल्ला इधर से काट दो, एक से इधर से काट दो, जो बीच का होता है ना वो आसानी से निकल जाता है। अभी मेरी थोड़ी आवाज़ दिखाएगी, फेस नहीं दिखाई देगा क्योंकि अब थोड़ी देर बाद में मेरा फेस भी दिखाई देगा। इन्हें लेट लेट कर उसको दे गए थे मैं ABCD। आप पूरे चार्ट में कॉलम में आपको लगाना है। देखो इसने पूरे लगा लिए एक एक, बस ABCD इतना बोलेगा और बाकी नहीं। वैसे बोलो ना तो सारे वर्ड बोल लेता है, बस अपने मान से। देखो उसने देखो पूरे कॉलम लगा लिए भैया ने, देखो भैया बेटा ने लगा लिए। तो इसको दे गई थी हमने, क्या टीवी देखना, टीवी देखने की, टीवी देखो देखो पढ़कर भी बता रहा है आपको। हमने कि कार्टून लगा दो, हमने कि कार्टून लगा देती हूँ और आप यहाँ पर पढ़ो, हम ये कॉलम दे जाती हूँ ABCD वाला तो आप लगाओ। इसने फिर ये पूरे वर्ड लगा दिए हैं, लगा दिए और ABCD पढ़कर भी बता दी है। अब बेटा फिर से लगाओ इसको निकाल कर, और ये आ बना लेगा, बन बना लेगा। इसकी अभी स्लेट मतलब बोर्ड अभी दिया नहीं है, चाक इसने खराब कर दी है, लिखने वाली पेंसिल। आप दूसरी चाक आती है ना वो देंगे, उससे पड़ेगा ये। क्या करते हैं बच्चों का, ये टीवी का कार्टून देख रहे हैं इनके और अपने लेटे हैं। यहाँ पर देखो मैं चादर वगैरह इस तरह बैठा है, ये गद्दा नीचे रहता कि धरती अब ठंडी होने लगी है तो ये चादर गद्दा बिछा देते, उसमें बच्चे खेलेंगे। अब डिटॉल से ये नहाएंगे, नमने डिटॉल से नहाई नहीं करते हैं।
और इनका ट्रैक्टर का एक एक पर्जा निकल गया है। इसका फिर मैं पिलो वगैरह के भी कवर चढ़ाना है, धोकर रखे, सूखने में बहुत टाइम लग गया था। चलो अब मैं अब अपने काम करती हूँ, और काम करने के बाद आपसे बातें करती जाती। किचन में से हम देखने के लिए ये कर क्या रहा है, तो हमने की किचन में से देख जाऊँ फिर ले। सो इसने चाट पूरी लगा दिया, 1 2 3 4 5 बस इतना ही। अब धीरे धीरे सीखेगा, 2-3 साल का है, सीख तो बोल तो सब लेता है, बिल्कुल पूरे तरह से पढ़ लेगा, वो याद नहीं करता, याद करने की प्रॉब्लम है उसको। चलो यहाँ तक कि पहाड़ी होते ना, टेबल होती है, नंबर टेबल ये तक कह लेता है। और आप धूप बहुत तेज निकली है, ठंडक है बहुत। चलो इनकी टीवी बंद हो गई है, तो इनकी टीवी को मैं कर जाऊं, ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। आज हम आपको फ्राई सिंगाड़े बनाना बताएंगे। वो उबाल लिए हैं, उनको छील लिए हैं, अभी तक मैंने छीले नहीं थे, छील लिए हैं, और कुछ से ज़्यादा पक गए तो थोड़े ऐसे निकल आए हैं। और ये नींबू चाहिए, और यहाँ पर मैं इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी, और इस तरह से आपको काट लेना है। और इस तरह के फ्राई सिंगारे खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं, और जिसको दिल की बीमारी है उसके लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। और कार्तिक के महीने में तो इस वाले महीने में सिंगारे खूब मिलते हैं, UP MP साइड तो 5 रुपया के 10 रुपया के 2-2 किलो ले लो, 2 किलो 1 किलो मिलने लगते हैं। और यहाँ तो 6 साल में पहली बार देखी हैं समझ की, चलो फ्राई सिंगारे बनाकर खा लूँ। चलो बनाना बताते हैं। सबसे पहले आपको ये इनको छोटे पीसेस में काट लेना। एक बर्तन फ्राई पैन में मैंने घी लिया है, उसमें मैंने जीरा, हींग, राई, थोड़ी सौंफ, 2 खड़ी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता डालकर उनको थोड़ा भून लिया है। और पीसेस में जो सिंगारे काटे थे उनको भी डालकर 5 मिनट तक थोड़ा भून लेना है। मैंने सेंधा नमक डाला है, आपको को नॉर्मल नमक भी डाल सकते हो। इनको अच्छी तरह से आपको 5 मिनट तक घी में ही पका लेना, जब तक थोड़ा ब्राउन कलर की, इस तरह की ब्राउन कलर की आ जाए। फिर बाद में आपको नींबू डाल लेना है, इसको मिला लेना है, फिर 2 मिनट और भून लेना है। ये मेरे सिंगाड़े बनकर, फ्राई सिंगाड़े बनकर तैयार है। लाल मिर्च और हरी मिर्च से सर्व किया है, ये खाने बड़ी टेस्टी लगते। एक बार आप लोग बनाना, कमेंट कर ज़रूर बताना। जय साई राम। मैं प्रियंका, प्रियंका गुप्ता के चैनल में आपका, यूट्यूब चैनल में आपका, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो का एंड तक देखना, आज अच्छी है हार्ट, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उसको सिंगाड़ी खाना चाहिए, उसका मैं विस्तार से बता रही हूँ, कुछ अच्छी रेसिपी दी है। देंगे तो आप लोग ज़रूर देना, देखना एंड तक। और वीडियो अच्छा लगे तो, चैनल पर नए हो तो अभी तक तो आपने प्रियंका गुप्ता किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी वीडियो के, प्रियंका गुप्ता के वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन आ गया, सब्सक्राइब कर लेना। और आप सब कैसे हो, ठीक ही होंगे। चलो फिर अपने किचन में क्या काम कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ वो तो मैंने बना लिया है। अब मुझे शिमला मिर्च की सब्ज़ी, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनानी है, वो आपको आपके साथ काम करती जा रही हूँ, आपसे बातें करती जा रही हूँ। और चलो फिर चलते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। क्या है कि सभी लोगों को वीडियो वायरल हो जाते हैं, हमारा कपते मैंने क्या किया है तो मेरा वीडियो भी वायरल नहीं हो रहा, किसी को पसंद ही नहीं आया, कपते क्या किया मैंने। चलो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च की सब्ज़ी को छोक दिया है, और ये मैंने शिमला मिर्च काटी थी। तो अब पहले आलू को बॉयल है, शिमला मिर्च केवल पकाना है, तो उनको पका लेती हूँ। तो ये फ्राई पैन हो गया, पूरी सैनिंग की थी तो ये इस तरह के तेल के दाग बन गए हैं। अब इसको अलग से वो करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा तब जाके, और इस पर थोड़ा सरक रहा है ना, तेल का हो गया है। और अब इसमें थोड़ी शिमला मिर्च पक जाए तो बस। इसमें मैंने प्याज, जीरा, हींग, राई, मेथी और कड़ी पत्ता डालकर, प्याज, अदरक, मिर्च, 2 खड़ी लाल मिर्च डालकर उसको मैं भून जाएगा। फिर शिमला मिर्च डाल देंगे, फिर आलू डाल देंगे, फिर मसाला डाल देंगे। ये मेरी शिमला मिर्च की सब्ज़ी बन जाएगी, सूखी बना रहे हैं। और फिर आटा लगाना है, आटा से मुझे रोटी बनाना है। बस हस्बैंड हो जाएंगे,
हस्बैंड आ जाएंगे तो गर्म ही गर्म रोटी सेकेंगे, बच्चे को हस्बैंड खिलाएंगे फिर हम खाएंगे। लेडीज़ों का होता है कि पहले हस्बैंड बच्चों को घर परिवार वालों को खिला दो, फिर आराम से स्वयं बैठ कर खाओ। फिर यहाँ पर मैंने थोड़ी सी फ्राई मिर्च भी तल ली थी, उसी में तो ये फ्राई मिर्च है। ये मेरी सब्ज़ी बन गई शिमला मिर्च आलू की सूख के, और बस उसमें आलू डाल देते हैं, हल्दी धनिया मिर्च गर्म मसाला नमक काला नमक और नींबू। ये मेरी मिलाकर 5 मिनट तक भून लिया। ये मेरी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनकर तैयार है। और यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया, लगाऊंगी और रोटी सेकूंगी बस। इसके बाद मिलेंगे थोड़ी देर बाद। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक करता, अगले वीडियो फिर तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो, पसंद आए। आप चैनल पर नए हो, अभी तक आपने प्रियंका गुप्ता की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब करना ना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और प्रियंका गुप्ता की चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो, प्लीज़ सपोर्ट करो। चलो और अभी शिमला मिर्च की सब्जी रोटी बनाई हुई थी, खाना खा के अभी फ्री हुई हूँ। बर्तन वगैरह साफ कर कर बस अभी बच्चे को पढ़ा कर अभी जस्ट फ्री हूँ। हम ये आप लोगों से बात कर लूँ और वीडियो को एंड कर दूँ, सब्सक्राइब करके ही दिया है। चलो हाँ बस हमें थोड़ा बात करके एंड कर दूँ। बाय, आज का वीडियो यहीं तक खत्म, बाय।